गुजरात चुनाव में होगी मोदी नीतीश की जंग, विधानसभा चुनाव में जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के महासचिव के सीपीआई का बयान, पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ही करेंगे प्रचार। मध्यावधि चुनाव के सवाल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, कहा सियासी पार्टियों और नेताओं के रुख पर सब कुछ निर्भर, जल्द चुनाव की संभावना से नहीं किया इंकार। भारतीय विदेश मंत्री एस एम कृष्णा की पाकिस्तान यात्रा पर बाल ठाकरे ने उठाए सवाल, कहा जब 26/11 के गुनहगारों को नहीं मिल रही सजा तो फिर पाकिस्तान जाने का क्या फायदा, वीजा संधि से जताया घुसपैठ की आशंका। पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में आने पर फिर भड़के राज ठाकरे, कहा पाकिस्तान में भारतीय गायकों को नहीं दी जाती इजाजत, कहा मराठी फिल्मों को भी बढ़ने का मिलना चाहिए मौका। बिहार के सीमांचल इलाके में सुलगा भूमिहीनों का मसला, महादलितों और आदिवासियों ने भूदान में मिली जमीन पर कब्जा जमाया, जमीन के लिए हिंसक संघर्ष की चेतावनी, भूस्वामी की जवाबी कार्रवाई की गई। कोयला घोटाले में आज पेश होगी अहम रिपोर्ट, अंतर मंत्रिमंडलीय समूह अपनी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय में करेगा पेश, कोल ब्लॉक पाने वाली 29 निजी कंपनियों की जांच पूरी, पीएमओ को भी भेजी जाएगी रिपोर्ट। कोयला घोटाले में फिरे महाराष्ट्र के मंत्री राजेंद्र दरड़ा के भविष्य का आज हो सकता है फैसला, दरड़ा से आज मांगा जा सकता है इस्तीफा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी अंतिम फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगी पार्टी नेताओं से मुलाकात, कई राज्यों में पार्टी संगठन के बदलाव पर होगी अहम चर्चा, मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई थी सोनिया गांधी। कोयला घोटाले को लेकर सीपीआई ने पीएम की ईमानदारी पर उठाए सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग, बंगाल के पूर्व सीएम और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य सिंह ने कहा मनमोहन सरकार एक डूबता हुआ जहाज। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने गोवा में पीएम पर साधा निशाना, कहा मनमोहन के कोयला मंत्री रहते नियमों की उड़ी भज्जियां, कहा बीजेपी कोशिशों से शुरू हुई सीबीआई जांच। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव की कांग्रेस को सलाह, कहा राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने में देर नहीं करे पार्टी, आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में अखिलेश ने दिया बयान, कहा कांग्रेस इस मुद्दे को न रखता है। राजस्थान के जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हो रही है पूजा अर्चना, वसुंधरा को देवी अन्नपूर्णा का रूप बता रहे हैं उनके समर्थक, कई लोगों ने जताई है आपत्ति, लेकिन वसुंधरा के भक्त अब इस मंदिर में उनकी एक प्रतिमा लगाने की रखते हैं चाहत। वसुंधरा की देवी वाली तस्वीर में आडवाणी को बनाया गया ब्रह्मा, राजनाथ सिंह को विष्णु और अटल बिहारी वाजपेयी बने महेश, वसुंधरा की पूजा को बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास ने ठहराया जायज, कहा वसुंधरा ने किया इलाके का भरपूर विकास। कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा नाम बदलकर रख लेंगे फिक्सिंग बनर्जी, तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हो रहे हमले को ममता ने कहा बदनाम करने की साजिश। दिग्विजय सिंह पर भड़का रामदेव का गुस्सा, कहा कांग्रेस के गैर जिम्मेदार महासचिव का नाम भी नहीं लेना चाहते, रामदेव का आरोप उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं केंद्र की सरकार, सरकारी एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह का 17वां दिन, केंद्र की टीम आज खंडवा और हरदा जाकर किसानों से करेगी मुलाकात, मुख्यमंत्री शिवराज प्रभावित किसानों के लिए कर सकते हैं स्पेशल पैकेज तैयार। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों की मांग पर खंडवा के सांसद ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना, कहा आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं सरकार, जल सत्याग्रह के बाद सड़क पर आंदोलन की भी नीचे डाल। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश का कहर, पार्वती नदी में अचानक आई उफान में बही जीप, प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिला जीप चालक का शव, नदी पार करते हुए समय हुआ भयानक हादसा। राजस्थान के सिरोही में सुकड़ी नदी के तेज आवेग में बस पलटी, बस के पलटते ही मचा हड़कंप, बाल बाल बचे बस के यात्री, ग्रामीणों ने खिड़की का कांच तोड़कर बस में सवार 40 यात्रियों को बचाया। कश्मीर के शोपियां में अचानक आई बाढ़ में फंसी 25 जिंदगियां, सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया, पानी की तेज धार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मिली कामयाबी, पानी की तेज धार में सेना का पुल टूटा। ओडिशा में कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ आज बुलाया है बंद, कटक में बंद के दौरान
पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प, लाठीचार्ज में घायल। भुवनेश्वर में 6 सितंबर को हुई हिंसक झड़प पर सियासत तेज, ओडिशा महिला कांग्रेस ने पुलिस जाति के खिलाफ दर्ज किए केस, पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप। लुधियाना में टीयूटी टीचरों पर बरसी पुलिस की लाठियां, नौकरी की मांग को लेकर कर रहे थे पंजाब सरकार का विरोध, शिक्षकों ने की लुधियाना दिल्ली हाईवे को जाम करने की भी कोशिश, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए भांजी लाठियां। मारुति से निकाले गए कर्मचारी और उनके परिवार वालों ने किया हरियाणा के उद्योगपतियों के घर का घेराव, प्लांट से निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन, लेकिन नहीं मिला मंत्री जी से कोई आश्वासन। असम में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठिए पर मुख्यमंत्री गोगोई का खटा बयान, कहा घुसपैठ की वजह से नहीं बल्कि अशिक्षा के चलते बड़ी अल्पसंख्यक की आबादी। मुंबई में रियलिटी शो के स्टार सलमान ने पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप, पिटाई की वजह का खुलासा नहीं। नवी मुंबई में सब इंस्पेक्टर की गोली लगने से गंभीर रूप से लगी चोटें, वारदात के बाद आरोपी फरार, नवी मुंबई का तलोजा जेल में इंस्पेक्टर की तैनाती। मुंबई के पास समुद्र में जहाज में लगी आग पर काबू, एमवी एम्स्टरडम जहाज पर लगा है एंटीगा और बारबुडा का ठंडा, खतरनाक केमिकल लेकर मुंबई से कोलंबो जा रहा था जहाज। मुंबई के बराड में चोरी करती महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद, दुकान मालकिन को नहीं लगी भनक, सीसीटीवी फुटेज से हुआ चोरी का खुलासा, आरोपी महिलाओं की तलाशी ली थी पुलिस। मुंबई में किन्नरों के गैंग का आतंक, सम्मोहित करके लूटे थे नगरी और जेवरात, दहिसर में सिमरात तक फैला खौफ, सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस कर रही है तलाश। थाने की भिवंडी में सार्वजनिक शौचालय की छत गिरने से 2 की मौत, 7 गंभीर रूप से जख्मी, घायलों में 2 महिलाओं समेत 10 साल का बच्चा भी शामिल। नोएडा में बेखौफ हुए बदमाश, एक्सप्रेस वे पर एक युवक के ऊपर ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां, हमलावर मौके से फरार, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला, जांच जारी। दिल्ली करीब गाजियाबाद में शादी समारोह में फैला करंट, 12 लोग घायल, घायलों में अधिकतर बच्चे, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, गुस्साए लोगों ने लगाया आगे कर जाम। दिल्ली से लगे फरीदाबाद में प्रेमी ने किया प्रेमिका के पिता की हत्या, शादी से इंकार करने पर 2 साथियों के साथ दिया वारदात को अंजाम, झाड़ियों में मिली मृतक की लाश, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रिंदौरी जिले के पुलिस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप, मेडिकल की छात्रा के साथ बलात्कार का मामला दर्ज, बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई लड़की को धोखा देकर किया था बलात्कार। यहां के छपरा में बिजली ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाने से नाराज लोगों का हंगामा, बिजली दफ्तर में जमकर तोड़फोड़, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। मेरठ में नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच जमकर झड़प, अवैध बोर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई का विरोध, नगर निगम कर्मचारियों पर व्यापारियों को पीटने का आरोप। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए दुर्लभ प्रजाति के सिलेंडर लॉरेंस बंदर, बैंकॉक से दुबई ले जाने की थी साजिश, बंदर की तस्करी में 2 युवक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दिल्ली में शुरू हुई दशहरे की तैयारियां, 16 अक्टूबर से होगा रामलीला का मंचन, दिल्ली की धार्मिक कमेटी ने सुभाष पार्क में भूमि पूजन करवाया, पूजा अर्चना के साथ हुई औपचारिक शुरुआत। भारतीय टेस्ट टीम में शानदार आगाज के बाद चेतेश्वर पुजारा पहुंचे साधु संतों की शरण में, नर्मदा जिले के हरिधाम आश्रम में अपने पिता के साथ आए पुजारा। इराक के 11 शहरों पर भीषण आतंकवादी हमले, रविवार को 25 सीरियल धमाकों से दहला पूरा इराक, करीब 71 लोगों की मौत, 240 घायल, कार बम से आतंकवादियों ने किया हमला, विस्फोटकों से भरी मोटरसाइकिल से किया धमाका। सीरिया में खूनी गृह युद्ध जारी, ताजा लड़ाई में 8 लोगों के मारे जाने की खबर, कई दर्जन लोगों के घायल हुए, एलेपी शहर में सीरियाई वायुसेना के हमले में 4 की मौत। जिले की राजधानी सैंटियागो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, मिलिट्री शासन में शहीद हुए लोगों की याद में आयोजित मार्च के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर
आंसू गैस के गोले छोड़े। ब्रिटेन के द्वीप बर्म्यूडा में तूफान, तेज हवा और बारिश का कहर। लेस्ली नाम के तूफान से यातायात के सारे साधन हुए ठप। कई इलाकों में तूफान से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। मौसम विभाग ने दी और तूफान आने की चेतावनी। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में भूकंप के झटके आने का सिलसिला जारी। भूकंप प्रभावित यूनान प्रांत में राहत के काम में आ रही है बाधा। पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटकों से गिर रहे हैं पत्थर।